फ्रेंड्स, आप कैसे होंगे? आई होप कि आप अच्छे होंगे सभी लोग। सबसे पहले आप सभी को इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, ऐसे ही खेत में हम देखिए खेत है, खेत में ऐसे ही बैठे थे तो मैंने सोचा क्या करें, कुछ काम था नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। तो मैं बस आप लोगों से बात करने के लिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, लोग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते हैं, देखिए ज़िंदगी मिली है तो एक ही बार मिली है, दोबारा कभी नहीं मिलेगी। तो ज़िंदगी से आप कभी भी निराश ना होइए। ज़िंदगी में हर कुछ करिए, हर एक चीज़ करिए जो आपको इच्छा करता है, जो आपको अच्छा लगता है वो सब करिए। क्योंकि करेंगे तभी आप कुछ सीखेंगे, करेंगे तभी कुछ एक्सपीरियंस लेंगे, करेंगे तभी कुछ आप ये जान पाएंगे कि हाँ इस चीज़ से क्या होता है और इस चीज़ से क्या नहीं होता है। तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि करने से ही कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। ज़िंदगी मिली है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए, बैठे रहने से कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने हमें वो नहीं दिया। भगवान ने आपके सब कुछ दिया हो, भगवान ने आपको एक ऐसा इंसान बनाया है जो आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है आपके पास। आप वो सब कर सकते हैं जो बाकी लोग करते हैं और सफल होते हैं, आप भी कर सकते हैं। बशर्ते ये हैं कि आप करते नहीं, किसी भी चीज़ को कोशिश करते ही नहीं हैं कि हम वो चीज़ में हाँ। और आपको अपने आप पर ही विश्वास नहीं होता है कि क्या हम भी चीज़ें कर सकते हैं, क्या हम भी सफल हो सकते हैं, क्या हम भी किसी बिजनेस में सफल हो सकते हैं, क्या हम भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ये आपके खुद पर विश्वास नहीं होता है और ना ही उसके लिए हम कोशिश करते हैं। यदि कोशिश करेंगे और विश्वास खुद पर रहेगा तो हमें भी मिलेगा। हाँ, बशर्ते हम कुछ चीज़ में मिलता है, कुछ चीज़ में नहीं मिलता है तो उससे भी निराश होने की कोई बात नहीं है। कुछ अलग करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि भगवान यदि वो नहीं दिए हैं तो भगवान ने कुछ और देने की आपके बारे में सोच रखा है। इसलिए हर क्षेत्र में आप जाइए, हर क्षेत्र में प्रयास करिए, कोशिश करिए, कुछ नया करने की कोशिश करिए। हो सकता है इसमें सफल ना मिले तो किसी और में सफलता मिल जाए, हो सकता है उसमें सफल ना मिले तो किसी और में सफलता मिल जाए। कहीं ना कहीं तो आपकी सफलता मिलेगी, लेकिन हाँ, कंटिन्यू करते रहेंगे तभी तो मिलेगी। क्योंकि जानते हैं कि रुका हुआ पानी क्या होता है, सड़ जाता है। तो आप भी यदि रुके रहेंगे तो आपके अंदर की जो शक्ति है, आपके अंदर की जो पावर है, वो आपका सड़ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब कि वो किसी काम के नहीं आएगा, क्योंकि आपके माइंडसेट बंध चुका होगा, आपका माइंडसेट बन जाएगा और आप ये मान चुके रहेंगे अपने आप को कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ज़िंदगी में साधारण आए हैं और साधारण चले जाएंगे। ये आप अपने आप को मान चुके रहेंगे, अपने माइंड को ये कह चुके रहेंगे कि ये चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करते रहेंगे, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। ज़िंदगी में सीखना रहना है और कुछ ना कुछ चलते रहेंगे तो एक दिन वो मंजिल मिलेगी जहाँ पर आपको जाना होगा। रास्ते देखिए, जब रास्ते पर इंसान चलता है तो कहीं ना कहीं वो तो रास्ता पहुँचाता ही है ना, कहीं ना कहीं पहुँचाएगा, किसी ना किसी छोर पर ज़रूर वो पहुँचेंगे रास्ते पर। तो उसी तरह यदि ज़िंदगी है तो ज़िंदगी में कंटिन्यू चलते रहेंगे तो किसी ना किसी मुकाम पर तो ज़रूर पहुँचेंगे तो ज़रूर, चाहे किसी भी मुकाम पर पहुँचे, लेकिन कंटिन्यू चलते रहेंगे तब तो पहुँचेंगे। ज़िंदगी क्या है? एक आइसक्रीम की तरह है, आप उसको चखेंगे तो भी गलेगा, नहीं चखेंगे तो भी गलेगा। तो इसलिए अपने ज़िंदगी को वेस्ट ना करिए, अपने ज़िंदगी को बर्बाद ना करिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, आज बस इतना ही बात कर रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है, यदि हमारी बातें आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट करिएगा, जो भी चीज़ अच्छा लगा, यदि बुरा भी लगा होगा तो भी कमेंट करिएगा और हमें सजेशन दीजिएगा। क्योंकि आपके एक कमेंट और आपके एक लाइक से हम लोग के हौसला बनता है, हमारा भी हौसला बनता है। और किसी भी व्यक्ति को आप लाइक करते हैं और उसको कमेंट में हौसला देते हैं तो उसके अंदर की पावर को जगता है। यदि आप ही को कोई भी काम करने जा रहे हैं और उसमें आपको कोई हौसला दे दे तो आपको हौसला कितना बढ़ जाता है, दोगुना बढ़ जाता है। लेकिन उसी को आप उसको हताश कर दीजिए, उसको नेगेटिव बातें में डाल दीजिए तो क्या होगा, वो जो करने वाला जो सोच रहा होगा, जो उसके माइंड सोच रहा होगा, उससे भी वो हट जाएगा, वो भी सोचना बंद कर देगा और उस काम से विचलित हो पाएगा और वो नहीं कर पाएगा। इसलिए किसी कोई भी इंसान हो, चाहे गलत कर रहा हो तो उसको सजेशन जरूर दीजिए, उसको सही लगेगा तो करेगा चाहे नहीं करेगा, लेकिन उसको हौसला जरूर दे दीजिएगा ताकि ज़िंदगी में कुछ करे। तो इसलिए जो भी यूट्यूबर है, चाहे जो कोई भी हो, जो कहीं पर भी यदि शुरुआत करते हैं कि कोई बिजनेस करने का, अर्थात ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा करने का, कुछ नया करने का, तो उसका हंसिए नहीं, उसको
साहस दीजिए, उसको उत्साह बढ़ाइए, उसको हौसला दीजिए ताकि वो कर पाए। आप नहीं कर पाए तो कोई और ही कर रहा है, तो उसको भी तो साहस दीजिए, उसे तो बढ़ावा दीजिए। बस आप मुझसे करिए और मस्ती से जिए और जीने दीजिए, हर किसी को हर कोई के साथ दीजिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि ज़िंदगी मिला है तो हम जो बन रहे हो तो बन ही रहे हैं, आप जो बन रहे हो तो बन ही रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी हमको बनाना है, दूसरों को भी सपोर्ट करना है। एक दूसरे की सहायता से हर कोई इंसान बढ़ सकता है। तो दोस्तों, इस चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि ये नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए, जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।